जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं, पहचानने क्या तरीका है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दो तरह के पहचान होते हैं। पहचान नंबर वन, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है। पहचान नंबर दो, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, एवं साथ में भूतकालिक समय सूचक यानी समय दिया रहता है। इसका दूसरा पहचान इस प्रकार होगा, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, एवं साथ में भूतकालिक समय सूचक यानी समय भी दिया रहता है। 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, सोमवार से, बचपन से, इस तरह का भूतकालिक समय सूचक भी दिया रहता है। यानी पांच परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दो तरह के पहचान होते हैं। स्ट्रक्चर, तो बच्चों इसका आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर बनावट बनाने क्या तरीका है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस हेड, सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे सभी के साथ हेड लगा देंगे, प्लस बीन, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, सभी में बीन लगा देंगे, प्लस भी फॉर भाग का चौथा रूप लगा देंगे, यानी भाग में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड, उसके बाद प्लस सिंस या फॉर, सिंस का प्रयोग करेंगे जब पक्का समय रहे, जब वाक्य में दिया रहे पक्का समय एकदम दिया रहे तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा फोर का प्रयोग करेंगे। अब प्लस टाइम, लास्ट में टाइम लिख देंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड, सभी के साथ हेड लगा देंगे, प्लस बीन, सभी में बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस भी फोर भाग का चौथा रूप लगा देंगे, भाग में आईएनजी जोड़ देंगे, भी फोर का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड, प्लस सिंस या फोर, यानी दोनों में से एक चीज लगाएंगे, सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब एकदम पक्का समय दिया रहे, बात से प्रतीत हो एकदम पक्का समय, तो सिंस का प्रयोग कर देंगे, अगर पक्का समय ना रहे तो फोर का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम। तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर वन, सीता एक पत्र लिखती रही थी। इसमें देखेंगे लिखना क्रिया है और क्रिया के अंत में ती रही थी लगा हुआ है, ती रही थी, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहा था, तो इसमें लिखना क्रिया है और क्रिया के अंत में ती रही थी लगा हुआ है। तो इस फॉर्मूला को बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करें, हमारा सब्जेक्ट है सीता, लिखेंगे सब्जेक्ट सीता, सभी के साथ सब्जेक्ट कुछ भी रहे सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे, यहां पे हेड लगाएंगे, प्लस बीन, सभी के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस भी फोर भर्व का चौथा रूप लगा देंगे, भर्व में आईएनजी जोड़ देंगे, तो लिखना के मीनिंग लिखेंगे भी फोर लगा देंगे, राइटिंग, उसके बाद एक पत्र, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एक पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर, सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर, इस तरह से बनाएंगे। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दो तरह के पहचान होते हैं। पहचान नंबर वन, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है। और इसका दूसरा पहचान इस प्रकार होगा, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, एवं साथ में भूतकालिक समय सूचक यानी समय भी दिया रहता है, 4 बजे से, 6 बजे से, सोमवार से, बचपन से, परसों से, इस तरह का भूतकालिक समय सूचक दिया रहता है। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड, सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस बीन, सभी में बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस भी फोर भाग का चौथा रूप लगा देंगे, यानी भाग में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और प्लस सिंस या फोर, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब पक्का समय दिया हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और पक्का समय ना होने पर फोर का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम, लास्ट में टाइम लिख देंगे। तो सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर। तो चलिए बच्चों और देखते हैं एग्जांपल, गाय वर्षों से दूध देती आ रही थी, गाय वर्षों से दूध देती आ रही थी। इसमें देखेंगे वर्षों से, ये समय दिया हुआ है, वर्षों से ये पक्का समय नहीं होता है, वर्षों से ये पक्का समय नहीं है तो फोर का प्रयोग करेंगे,
यहाँ देखेंगे देना क्रिया है, देना क्रिया और क्रिया के अंत में रहित ही लगा हुआ है, तो उसी फॉर्मूला बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा गाय, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। उसके बाद सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे हेड। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, सभी में बीन लगा देंगे बीन। उसके बाद भीफोर का प्रयोग करेंगे, भाव का चौथा रूप लगाएंगे तो देना की मीनिंग लिखेंगे गिविंग, भीफोर लगा देंगे, गिव में आईएनजी लगा देंगे गिविंग। उसके बाद दूध की मीनिंग लिखेंगे मिल्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द काउ हैड बीन गिविंग मिल्क, वर्षों से ये पक्का समय नहीं होता है तो फोर का प्रयोग करेंगे, फोर वर्षों के मीनिंग लिखेंगे ईयर्स। द काउ हैड बीन गिविंग मिल्क फॉर ईयर्स, यानी पक्का समय अगर रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर पक्का समय ना हो तो फोर का प्रयोग करेंगे। शिक्षक चार वर्षों से हिंदी पढ़ाते आ रहे थे, इसमें देखेंगे पढ़ाना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है। इसमें देखेंगे चार वर्षों से, ये भी पक्का समय नहीं होता, चार वर्षों से ये पक्का समय नहीं है। इसमें देखेंगे पढ़ाना क्रिया और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है। इसमें देखेंगे आ, आ का कोई भी मीनिंग नहीं देना है, आ का कुछ भी मीनिंग नहीं देंगे, यहां भी आ लगा हुआ, आ का कुछ भी मीनिंग नहीं देना है, आ आ का मीनिंग नहीं देंगे कुछ भी। तो पढ़ाते आ रहे थे, आना का मीनिंग नहीं देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर। सभी के साथ हेड का, हेड का प्रयोग कर देंगे हेड। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, सभी में बीन लगा देंगे। उसके बाद भीफोर का प्रयोग करेंगे, पढ़ाना के मीनिंग लिखेंगे टीचिंग, भीफोर का प्रयोग करेंगे, टीच में आईएनजी लगा देंगे टीचिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी। उसका चार वर्षों से ये पक्का समय नहीं होता है तो फोर का प्रयोग करेंगे, अगर पक्का समय ना रहे तो फोर लगाएंगे। चार वर्षों, तो चार की मीनिंग लिखेंगे फोर और वर्षों की मीनिंग लिखेंगे ईयर्स। द टीचर हैड बीन टीचिंग हिंदी फॉर फोर ईयर्स, इस तरह से बनाएंगे। प्राचार्य सुबह से भाषण नहीं देते आ रहे थे, इसमें देखेंगे निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, तो भाषण देना क्रिया है, हमारा क्रिया भाषण देना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है। यहाँ पे आ की मीनिंग नहीं देना है, आ की मीनिंग नहीं देंगे, यहाँ भी आ की मीनिंग नहीं देंगे, आ की मीनिंग बिल्कुल नहीं देना है। प्राचार्य, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है प्राचार्य की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल। सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे हेड। उसके बाद बीन लगाएंगे, सभी में बीन का प्रयोग कर देंगे, चूंकि यहां नहीं लगा हुआ, निगेटिव सेंटेंस से नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे बीच में नोट लगाएंगे, हेड के बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, बीन लिखेंगे द प्रिंसिपल हेड नोट बीन। उसके बाद भीफोर का प्रयोग करेंगे, भाव का चौथा रूप लगा देंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, तो यहां पर भीफोर का प्रयोग करेंगे D-E-L-I-V-E-R, डिलीवर में आई एन जी लगा देंगे, भीफोर का प्रयोग करेंगे डिलीवरिंग, भाषण की मीनिंग लिखेंगे ए स्पीच। द प्रिंसिपल हैड नॉट बीन डिलीवरिंग, भीफोर का प्रयोग करेंगे, देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवरिंग, भाषण की मीनिंग लिखेंगे ए स्पीच। सुबह से, देखेंगे यहां पे समय दिया हुआ, भूतकालिक समय सूचक दिया हुआ, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये पक्का समय होता है, सुबह से एकदम पक्का समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे सिंस, सिंस सुबह की मीनिंग लिखेंगे मॉर्निंग। द प्रिंसिपल हैड नॉट बीन, बीच में नोट लगाएंगे, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवरिंग ए स्पीच, बिफोर का प्रयोग करेंगे डिलीवरिंग ए स्पीच। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, चूंकि पक्का समय है इसीलिए, बच्चे बचपन से शोरगुल नहीं करते रहे थे, इसमें नहीं लगा हुआ, निगेटिव सेंटेंस है, तो शोरगुल करना इसमें क्रिया है, शोरगुल करना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चे, हमारा सब्जेक्ट है बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सभी में हेड लगा देंगे, देखेंगे यहां पे नहीं लगा हुआ है तो यहां पे हेड के बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे बीन,
उसके बाद घीफोड़ का प्रयोग करेंगे, भाव का चौथा रूप लगा देंगे, शोरगुल करना की मीनिंग लिखेंगे मेकिंग ए नॉइज, घीफोड़ का प्रयोग करेंगे भाव का चौथा रूप लगाएंगे तो शोरगुल करना की मीनिंग लिखेंगे मेकिंग, यानी घीफोड़ का प्रयोग कर देंगे मेकिंग ए नॉइज, शोरगुल करना की मीनिंग लिखेंगे मेकिंग ए नॉइज, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज, बचपन से देखेंगे यहाँ पे समय दिया हुआ भूतकालिक समय सूचक के बचपन से ये एकदम पक्का समय होता है, बचपन से ये पक्का समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे लिखेंगे सिंस, बचपन की मीनिंग लिखेंगे चाइल्डहुड, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन बीच में नोट लगाएंगे हैड नॉट बीन मेकिंग एन वाइज, शोरगुल करना की मीनिंग लिखेंगे मेकिंग एन वाइज, बिफोर का प्रयोग करेंगे सिंस चाइल्डहुड, बचपन से चूंकि ये पक्का समय है यानी पक्का समय रहने पे सिंस का प्रयोग करेंगे और पक्का समय ना रहने पे फोर का प्रयोग करेंगे, और आ की मीनिंग नहीं देना, जहां भी आ रहे तो आ की मीनिंग बिल्कुल नहीं देंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे सिंस का प्रयोग कहां कहां करेंगे और फोर का प्रयोग कहां कहां करेंगे। तो देखते हैं सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब बात में एकदम पक्का समय दिया हो, जब पक्का समय दिया रहे सेंटेंस को देखने पता चले एकदम पक्का समय दिया हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और पक्का समय ना होने पे फोर का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस का प्रयोग पक्का समय के लिए जिसे बचपन से, अगर बचपन से रहे सुबह से शाम से इस तरह का समय रहे, ये सब पक्का समय है जिसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस का प्रयोग पक्का समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसे बचपन से सुबह से शाम से दोपहर से रविवार से सोमवार से मंगलवार से बुधवार से जनवरी से फरवरी से मार्च से अप्रैल से, यानी दिन का नाम रहे चाहे महीना का नाम, इस सभी में जो है सिंस का प्रयोग करेंगे, जनवरी से फरवरी से मार्च से अप्रैल से मई से जून से जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से, ये सब जो है पक्का समय होता है, रविवार से बुधवार से 9 बजे से, अगर बजे लगा है तो ये भी पक्का समय होगा, 9 बजे से 10 बजे से 12 बजे से 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से, ये सब पक्का समय है। सन 1996 से 2012 से 2001 से 1950 से सन 2005 से, ये सब पक्का समय है जिसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, सब पक्का समय है। गत साल से गत महीने से, यानी पिछले साल से पिछले महीने से, कल सुबह से 5 बजे से 4 बजे से 2 बजे से 6 बजे से, ये सब पक्का समय है, यानी पक्का समय होने पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे और पक्का समय ना होने पे फोर का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब पक्का समय दिया हो, जैसे कि बचपन से सुबह से शाम से दोपहर से रविवार से सोमवार से मंगलवार से बुधवार से बृहस्पतिवार से शुक्रवार शनिवार से, यानी कोई भी दिन का नाम रहे उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, पक्का समय है। चाहे महीना का नाम रहे जनवरी से फरवरी से मार्च से अप्रैल से मई से जून से जुलाई से, ये सब पक्का समय है, जनवरी से महीना का कोई भी नाम रहे फरवरी से मार्च से अप्रैल से, ये सब पक्का समय दिया है तो पक्का समय में जो है सिंस का प्रयोग करेंगे 9 बजे से 3 बजे से सन 1996 से सन 2005 से गत साल से गत महीने से कल सुबह से 5, ये सब पक्का समय है तो सिंस का प्रयोग कर देंगे। और देखेंगे फोर का प्रयोग तब करेंगे जब पक्का समय ना दिया हो, जब सेंटेंस से पता चले पक्का समय नहीं है, जैसे 1 घंटे से 2 घंटे से 5 घंटे से 20 घंटे से, ये पक्का समय नहीं होता तो फोर का प्रयोग करेंगे, 10 घंटे से वर्षों से ये भी पक्का समय नहीं है तो फोर का प्रयोग करेंगे, 3 वर्षों से ये भी पक्का समय नहीं है, 5 घंटों से बहुत दिनों से आधे घंटे से 2 मिनट से 5 मिनट से 20 मिनट से 40 मिनट से 7 घंटों से 6 घंटों से 20 घंटों से, ये सब पक्का समय नहीं होता है, इसमें फोर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सब पक्का समय नहीं है। और सिंस का प्रयोग करेंगे जब पक्का समय दिया रहे बचपन से सुबह से शाम से दोपहर से रविवार से, यानी कोई भी दिन का नाम दिया रहे चाहे कोई महीना का नाम रहे जनवरी से फरवरी से मार्च से बुधवार से 9 बजे से 3 बजे से सन 1996 से सन 2005 से गत साल से गत महीने से कल सुबह से 5 बजे से, ये सब पक्का समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे बच्चों, तुम 5 घंटों से यहाँ रह रहे थे, इसमें रहना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है, इसमें रहना क्रिया और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे 5 घंटों से, 5 घंटों से समय दिया हो, ये पक्का समय नहीं होता है, घंटों से 5 घंटों से 6 घंटों से 7 घंटों से 20 घंटों से, ये पक्का समय नहीं होता है तो फोर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तुम की मीनिंग लिखेंगे यू, सभी के साथ हैड का प्रयोग कर देंगे यू हैड, उसके बाद सभी में बीन का प्रयोग करेंगे बीन,
उसके बाद भी फोर का प्रयोग करेंगे, भर्व का चौथा रूप लगाएंगे रहना की मीनिंग लिखेंगे लिविंग, एल आई वी आई एन जी लिविंग, भी फोर का प्रयोग करेंगे लिविंग। उसके बाद यहां, यहां के मीनिंग लिखेंगे हियर, यू हैड बीन लिविंग हियर 5 घंटों से, ये पक्का समय नहीं है तो फोर का प्रयोग करेंगे फोर, 5 के मीनिंग लिखेंगे 5, घंटों घंटों की मीनिंग लिखेंगे आवर्स, यू हैड बीन लिविंग हियर 4-5 आवर्स, 5 घंटों से। मोना बचपन से हल्कू को गाली देती आ रही है, रही थी, इसमें गाली देना क्रिया है और क्रिया के अंत में रही थी लगा हुआ है, इसमें गाली देना क्रिया और क्रिया के अंत में रही थी लगा हुआ है, इसमें आ की मीनिंग नहीं देना है, इसमें आ की मीनिंग नहीं देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे मोना, सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे हेड, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, सभी में बीन लगा देंगे, मोना हेड बीन, उसके बाद भी फोर का प्रयोग करेंगे, गाली देना की मीनिंग लिखेंगे भी फोर लगा देंगे एब्यूजिंग, एब्यूजिंग भी फोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे टू, को की मीनिंग लिखेंगे टू, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है हल्कू, यहां लिखेंगे हल्कू, बचपन से, देखें यहां बचपन से लिखा हुआ, ये पक्का समय होता है, बचपन से पक्का समय होता है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे सिंस, बचपन की मीनिंग लिखेंगे चाइल्डहुड, मोना हैड बीन अब्यूजिंग टू हल्कू सिंस चाइल्डहुड, इस तरह बनाएंगे, यानी पक्का समय होने पे सिंस का प्रयोग कर देंगे और पक्का समय ना होने पे फोर का प्रयोग करेंगे। मैं 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, इसमें पढ़ना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहा था लगा हुआ है, यहां देखेंगे ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा मैं, तो मैं की मीनिंग लिखेंगे आई, सभी के साथ हेड का प्रयोग करेंगे, यहां पर लिखेंगे हेड, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नॉट, उसके बाद सभी में बीन का प्रयोग कर देंगे, यहां लिखेंगे बीन, आई हैड नॉट बीन, उसके बाद भी फोर का प्रयोग करेंगे, पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे रीडिंग, उसके बाद इसमें देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की मीनिंग लिखेंगे इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, उसके बाद देखेंगे 10 बजे से, तो 10 बजे से ये पक्का समय होता है, 10 बजे से 12 बजे, यानी बजे अगर लगा रहे तो ये पक्का समय होता है, 10 बजे से 12 बजे से, 2 बजे से 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, ये पक्का समय है, बजे अगर लगा रहे तो ये पक्का समय होता है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, सिंस 10 बजे की मीनिंग लिखेंगे 10 बजे की मीनिंग लिखेंगे ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, आई हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock, यानी सिंस का प्रयोग करेंगे पक्का समय के लिए, सिंस 10 o'clock, 10 बजे। राधा 3 बजे से गीत गाती आ रही थी, इसमें गाना क्रिया है और क्रिया के अंत में रही थी लगा हुआ है, इसमें गाना क्रिया और क्रिया के अंत में रही थी लगा हुआ है, इसमें आ की मीनिंग नहीं देना है, आ की मीनिंग जो है नहीं देंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है राधा, उसके बाद सभी के साथ हेड लगा देंगे, यहां पे लिखेंगे हेड, राधा हेड, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे बीन, सभी में बीन का प्रयोग कर देंगे, हेड बीन लगा देंगे, राधा हेड बीन, उसके बाद भी फोर का प्रयोग करेंगे, तो गीत गाना के मीनिंग लिखेंगे सिंगिंग, भी फोर लगा देंगे सिंगिंग, सिंग में आई एन जी लगा देंगे सिंगिंग, गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, राधा हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग 3 बजे से, इसमें देखेंगे बजे लगा हुआ, ये पक्का समय होता है, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 20 बजे से, अगर बजे लगा तो ये पक्का समय होता है, तो इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे सिंस, सिंस 3 बजे, 3 बजे की मीनिंग लिखेंगे 3 o'clock, ओ क्लॉक, राधा हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 3 o'clock, इस तरह से बनाएंगे, तो चलिए वो जो देखते आगे एग्जाम्पल,
क्या वे लोग सुबह से व्यायाम कर रहे थे? इसमें व्यायाम करना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है। यहाँ पे देखें क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेड का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे हेड। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है वे लोग, वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, बीन का प्रयोग करेंगे, हैड दे बीन। उसके बाद वी फॉर का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, व्यायाम करना की मीनिंग लिखेंगे टेकिंग एक्सरसाइज। वी फॉर का प्रयोग करेंगे, टेक में आई एन जी लगा देंगे, टेकिंग एक्सरसाइज। व्यायाम करना की मीनिंग लिखेंगे टेकिंग एक्सरसाइज, आई एन जी का प्रयोग करेंगे, टेकिंग एक्सरसाइज। उसके बाद देखेंगे सुबह से, ये पक्का समय होता है, सुबह से शाम से दोपहर से, ये पक्का समय है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे सिंस। सुबह की मीनिंग लिखेंगे मॉर्निंग। हैड दे बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या डॉक्टर 10 वर्षों से रोगी का इलाज कर रहे थे? इसमें इलाज करना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है। तो देखेंगे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द डॉक्टर, हेड द डॉक्टर। उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन लगा देंगे, हेड द डॉक्टर बीन। उसके बाद वी फोर का प्रयोग करेंगे, इलाज करना की मीनिंग लिखेंगे ट्रीटिंग, वी फोर लगा देंगे, टी आर ई ए टी आई एन जी, ट्रीटिंग, वी फोर लगा देंगे ट्रीटिंग। का की मीनिंग लिखेंगे ऑफ, रोगी की मीनिंग लिखेंगे पेशेंट, रोगी की मीनिंग लिखेंगे पेशेंट। हेड द डॉक्टर बीन ट्रीटिंग ऑफ पेशेंट, ऑफ द पेशेंट। उसके बाद देखेंगे 10 वर्षों से ये पक्का समय नहीं होता है, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 5 वर्षों से ये पक्का समय नहीं है, तो फोर का प्रयोग करेंगे, फोर 10 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैड द डॉक्टर बीन ट्रीटिंग, वी फोर का प्रयोग करेंगे, ट्रीटिंग ऑफ पेशेंट फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से बनाएंगे, यानी 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 5 वर्षों से ये पक्का समय नहीं होता है, तो फोर का प्रयोग करेंगे। क्या सैनिक देश की रक्षा करते रहे थे? इसमें रक्षा करना क्रिया है और क्रिया के अंत में ते रहे थे लगा हुआ है, यानी ये पहला पहचान है, क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है, इसमें रक्षा करना क्रिया और क्रिया के अंत में ते रहे थे लगा हुआ है, यानी इसमें समय नहीं दिया हुआ लेकिन ते रहे थे लगा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो हेड का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हेड लगाएंगे हेड, उसके बाद सैनिक की मीनिंग लिखेंगे द सोल्जर, हेड द सोल्जर। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन, हेड द सोल्जर बीन। उसके बाद वी फोर का प्रयोग करेंगे, रक्षा करना की मीनिंग लिखेंगे प्रोटेक्टिंग, पी आर ओ टी ई सी टी आई एन जी, प्रोटेक्टिंग। उसके बाद देश, देश की मीनिंग लिखेंगे द कंट्री। हेड द सोल्जर बीन प्रोटेक्टिंग द कंट्री, सर्च बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हेड द सोल्जर बीन प्रोटेक्टिंग द कंट्री, सर्च बनाएंगे, इसमें समय नहीं दिया हुआ है तो नहीं देंगे। क्या कवि 2005 से कविता लिख रहा था? इसमें लिखना क्रिया और क्रिया के अंत में रहा था लगा हुआ है, इसमें देखेंगे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेड, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कवि की मीनिंग द पोएट, हेड द पोएट बीन, हेड द पोएट बीन। उसके बाद वी फोर का प्रयोग करेंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइटिंग, वी फोर लगा देंगे राइटिंग। और कविता की मीनिंग लिखेंगे द पोएम, हेड द पोएट बीन राइटिंग द पोएम। 2005 से इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस, क्योंकि ये पक्का समय है, 2005 से, 2006 से, 1996 से, 1950 से, ये सब पक्का समय होता है, 2005 से, सिंस 2005। हैड द पोएट बीन
राइटिंग द पोएम सिंस 2005, इसमें क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी पक्का समय रहने पे सिंस का प्रयोग करते हैं और पक्का समय ना होने पे फोन लगाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते आगे। आप 4 बजे से क्या कर रहे थे, इसमें बीच में क्या लगा हुआ है, इसमें करना क्रिया और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इस तरह के वाक्य में, इस तरह के टाइलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहां क्या कैसे बीच में लगा रहे, तो यही शुरू करेंगे। पहले क्या की मीनिंग लिखेंगे, क्या की मीनिंग लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग भाव का प्रयोग करेंगे, हेड लगाएंगे, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे, आप की मीनिंग लिखेंगे यू, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगाएंगे, उसके बाद भीफोर का प्रयोग करेंगे, करना की मीनिंग लिखेंगे भीफोर डूइंग, डूइंग, उसके बाद देखेंगे 4 बजे से, 4 बजे से ये पक्का समय होता है, तो पक्का समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बजे लगा हुआ 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, अगर बजे लगा तो वो पक्का समय होता है सिंस, तो सिंस का प्रयोग करेंगे 4 बजे, 4 बजे की मीनिंग लिखेंगे ओ क्लॉक। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सीता 2016 से, इसमें समय दिया हुआ 2016 से, ये पक्का समय होता है। सीता 2016 से क्या पढ़ रही थी, इसमें क्या लगा हुआ है, और पढ़ना क्रिया है और क्रिया के अंत में रही थी लगा हुआ है। देखेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस तरह के वाक्य में अगर बीच में कब क्यों कहां क्या कैसे कहां यहाँ पे लगा रहे बीच में, तो यहीं से बनाएंगे। पहले लिखेंगे क्या के मीनिंग व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगाएंगे, व्हाट हैड सीता बीन, उसके बाद भीफोर का प्रयोग करेंगे, तो पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे भीफोर रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग 2016 से, ये पक्का समय होता है 2016 से, 2005 से, 1996 से, 1950 से, ये सब पक्का समय है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे सिंस 2016। व्हाट हैड सीता बीन रीडिंग सिंस 2016, क्वेश्चन मार्क दे देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप कैसे काम करते रहे थे, यहां पे कैसे लगा हुआ है, काम करना क्रिया है इसमें और क्रिया के अंत में ते रहे थे लगा हुआ, ते रहे थे, इसमें पहला पहचान देखेंगे, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे लगा हुआ है, इसमें देखेंगे ते रहे थे लगा हुआ और काम करना क्रिया है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कैसे लगा हुआ है बीच में, इस तरह के वाक्य में अगर बीच में कब क्यों कहां क्या कैसे इस तरह लगा रहे, तो पहले यहां से बनाएंगे कैसे की मीनिंग लिखेंगे हाउ, हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा है आप, आपकी मीनिंग लिखेंगे यू, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगा देंगे, हाउ हैड यू बीन, उसके बाद भीफोर का प्रयोग करेंगे, काम करना की मीनिंग लिखेंगे वर्किंग, वर्किंग भीफोर लगा देंगे, वर्किंग, हाउ हैड यू बीन वर्किंग, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यदि इसमें समय नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, हाउ हैड यू बीन वर्किंग, इस तरह बनाएंगे, रिपोर्ट लगा देंगे। आप मार्च से, ये देखेंगे पक्का समय है, कोई भी महीना का नाम रहे, जनवरी से, फरवरी से, जुलाई से, अप्रैल से, दिसंबर से, तो वो पक्का समय होता है, तो सिंस लगाएंगे। आप मार्च से विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसमें पढ़ाना क्रिया और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो देखेंगे यहाँ पे क्यों लगा हुआ, इस तरह के वाक्य में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे क्यों लगा रहे बीच में, तो यही बनाएंगे। पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, आपकी मीनिंग लिखेंगे यू, उसके बाद नहीं कि यहाँ पे देखेंगे नहीं लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद जो है नोट का प्रयोग करेंगे नोट, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, व्हाई हैड यू नोट बीन, उसके बाद भी फोर का प्रयोग करेंगे, पढ़ाना के मीनिंग लिखेंगे
टीचिंग बी फोर लगा देंगे, टीचिंग विद्यालय में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। मार्च से ये पक्का समय है, तो मार्च से ये पक्का समय, तो सिंस लगा देंगे, सिंस मार्च। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस मार्च, यानी पक्का समय होने पे सिंस लगाएंगे और पक्का समय ना होने पे फोर लगा देंगे। तो चलिए बच्चे और देखते हैं एग्जांपल। आप दो वर्षों से कहां रह रहे थे, इसमें रहना क्रिया और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कहां लगा हुआ है, तो इस तरह के वाक्य में बीच में अगर कब क्यों कहां क्या कैसे लगा रहे, तो यहीं से मतलब पहले कहां के मीनिंग लिखेंगे, कहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कहां के मीनिंग लिखेंगे वेयर, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वेयर हैड आप के मीनिंग लिखेंगे यू, उसके बाद बीन लगाएंगे बीन, वेयर हैड यू बीन, उसके बाद वी फोर का प्रयोग करेंगे, रहना के मीनिंग लिखेंगे लिविंग, वी फोर लगा देंगे लिविंग। दो वर्षों से, ये पक्का समय नहीं होता, दो वर्षों से, चार वर्षों से, बीस वर्षों से, पांच वर्षों से, ये पक्का समय नहीं है, तो फोर का प्रयोग करेंगे, फोर दो वर्षों, टू ईयर्स, टू ईयर्स, वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर टू ईयर्स, इस तरह से बनाएंगे, नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले कहां की मीनिंग लिखेंगे वेयर, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वी फोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पक्का समय नहीं है, फोर टू ईयर्स। आप वहां कब कब से जाते रहे थे, इसमें क्रिया के अंत में ते रहे थे लगा हुआ है और जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते रहे थे लगा हुआ है, कब से ये समय दिया हुआ, कब से, तो सबसे पहले यहीं बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे कब से, यहां से बनाएंगे कब से की मीनिंग लिखेंगे हाउ लॉन्ग, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले कब से की मीनिंग लिखेंगे हाउ लॉन्ग, कब से हाउ लॉन्ग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आप की मीनिंग यू, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन, उसके बाद जाना की मीनिंग लिखेंगे गोइंग, बिफोर पक्का प्रयोग कर देंगे गोइंग, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन गोइंग, वहां वहां की मीनिंग लिखेंगे देयर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हाउ लॉन्ग कब से, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन गोइंग देयर, इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सरकार वर्षों से, ये वर्षों से पक्का समय नहीं होता है, वर्षों से पक्का समय नहीं है, सरकार वर्षों से क्या कर रही थी, यहां पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले ही बनाएंगे क्या की मीनिंग लिखेंगे क्या की मीनिंग लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है सरकार की मीनिंग लिखेंगे द गवर्नमेंट, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन लगा देंगे, व्हाट हैड द गवर्नमेंट बीन, उसके बाद वी फोर का प्रयोग करेंगे भाव का चौथा रूप लगा देंगे, तो करना की मीनिंग लिखेंगे वी फोर डूइंग, डूइंग वर्षों से, तो वर्षों से पक्का समय नहीं है तो फोर लिखेंगे फोर ईयर्स, व्हाट हैड द गवर्नमेंट बीन डूइंग फोर ईयर्स, इस तरह बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आप यहां कब से, यहां देखेंगे कब से लगा हुआ, समय दिया हुआ है कब से, आप यहां कब से काम नहीं करते रहे हैं, कर रहे थे, यहां पे निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे समय दिया हुआ कब से, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहीं बनाए कब से, कब से की मीनिंग लिखेंगे हाउ लॉन्ग, कब से की मीनिंग पहले लिखेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कब से समय दिया हुआ है, तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे हाउ लॉन्ग, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आपकी मीनिंग यू, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, यहां देखेंगे नहीं लगा हुआ, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, हाउ लॉन्ग हैड यू नॉट, उसके बाद बीन लगाएंगे, हाउ लॉन्ग हैड यू नॉट बीन, उसके बाद काम करना की मीनिंग लिखेंगे वर्किंग, यानी वी फोर लगा देंगे, काम करना की मीनिंग लिखेंगे वर्किंग, वी फोर लगा देंगे वर्किंग, यहां यहां की मीनिंग लिखेंगे हियर।
क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हाउ लॉन्ग, यानी कब से, हाउ लॉन्ग हैड यू नॉट बीन वर्किंग हियर, इस तरह बने। तो चलिए बच्चे और देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सुबह से लाल किला पर झंडा नहीं फहरा रहे थे। इसमें नहीं लगाओ, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें फहराना क्रिया है और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है भारत के प्रधानमंत्री, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो लिखेंगे द प्रधानमंत्री की मीनिंग लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सब में हेड लगा देंगे हेड। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो इसके हेड के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड नॉट बीन, उसके बाद यानी हेड के बाद नोट लगा देंगे तब बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, तो झंडा फहराना के मीनिंग लिखेंगे होइस्टिंग, बिफोर का प्रयोग करेंगे होइस्टिंग द फ्लैग, यानी बिफोर लगा देंगे, फहराना के मीनिंग लिखेंगे एच ओ आई एस टी, होइस्ट मींस फहराना, होइस्टिंग आई एन जी लगा देंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे होइस्टिंग, झंडा के मीनिंग लिखेंगे द फ्लैग, होइस्टिंग द फ्लैग। लाल किला पर, यहां लिखेंगे लाल किला पर एट द रेड फोर्ट, एट द रेड फोर्ट, लाल किला पर की मीनिंग लिखेंगे एट द रेड फोर्ट, सुबह से, ये पक्का समय होता है सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सब पक्का समय है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे सिंस, सुबह के मीनिंग लिखेंगे मॉर्निंग। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड नॉट बीन, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, झंडा फहराने की मीनिंग लिखेंगे, झंडा फहराने की मीनिंग होइस्टिंग द फ्लैग, बिफोर का प्रयोग करेंगे, बिफोर लगा देंगे होइस्टिंग द फ्लैग, एट द रेड फोर्ट, लाल किले पर एट द रेड फोर्ट। उसके बाद सिंस मंडे, पक्का समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, पक्का समय ना होने पर फोर का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पे बिफोर का प्रयोग करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड नॉट बीन होइस्टिंग द फ्लैग, ये बिफोर लिखा हुआ होइस्टिंग द फ्लैग, एट द रेड फोर्ट सिंस मॉर्निंग।